हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका। R12 रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया सी हेल्दी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसका नाम है रवा उपमा। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यदि रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए रवा उपमा बनाना शुरू करते हैं। रवा उपमा बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप रवा या सूजी, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, आधी छोटी चम्मच राई, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/3 कप लिया है हरी मटर, आधी चम्मच लिया है हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लिया है जीरा, आधी छोटी चम्मच लिया है नमक या टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर मैंने लिया है 4 से 5 कड़ी पत्ते जिसे मैंने रफली काट लिया है, 1/3 चम्मच लिया है लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। सबसे पहले एक पैन में डालेंगे रवा और इसे लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भूनेंगे। सूजी को रोस्ट करते समय लगातार चलाते रहना बहुत जरूरी है। यदि आप इसे लगातार नहीं चलाएंगे तो सूजी जल जाएगी, इस चीज का ध्यान रखिए। आप देख सकते हैं सूजी में हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब हम इस सूजी को दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने सूजी को प्लेट में निकाल लिया है। अब उसी पैन में हम 2 बड़े चम्मच तेल डालकर गरम करेंगे। तेल अच्छे से गरम हो गया है, इसमें हम डाल देंगे राई के दाने और इसे चटकने देंगे। राई के दाने भी अच्छी तरह से चटक गए हैं, इसमें डाल देंगे बारीक कटी हरी मिर्च, जीरा और करी पत्ते। अब इन्हें थोड़ी सी देर के लिए चलाते हुए भून लेंगे। इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए प्याज, अब इन्हें भी हल्का सा गुलाबी होने तक हम भूनेंगे। प्याज में हल्का सा गुलाबी कलर आ गया है, आप देख सकते हैं। तो इसमें हम डाल देंगे हरी मटर। आप यहाँ पर अपनी मनपसंद किसी भी सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो या जो आपके घर में अवेलेबल हो। वेजिटेबल्स डालने से इस उपमा का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। इसे ढक करके 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि जो हमने मटर डाली है वो भी हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। जब तक ये मटर सॉफ्ट हो रही है, हम दूसरे बर्तन में उपमा में डालने के लिए पानी गर्म कर लेते हैं। तो एक बर्तन में हम 2 कप पानी डालकर गर्म होने के लिए रख देंगे। मैंने इस कप से रवा लिया था तो मैं इसी कप से 2 कप पानी ले रही हूँ। उपमा में डालने के लिए पानी की क्वांटिटी सही होनी चाहिए। यदि पानी की क्वांटिटी कम ज्यादा होगी तो या तो उपमा ज्यादा सॉफ्ट बन जाएगा या ज्यादा ड्राई हो जाएगा, तो इस चीज का ध्यान रखिए। पानी में अच्छी तरह से बॉईल हो गया है तो गैस को बंद कर देंगे और पानी को साइड में रख देंगे। अब यह हम मटर को चेक कर लेते हैं। ये मटर भी हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए टमाटर, अच्छे से मिक्स कर देंगे और इन्हें भी 2 से 3 मिनट के लिए चलाते हुए पका लेंगे ताकि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर भी हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं, इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक। और अच्छे से मिक्स कर देंगे। हल्दी पाउडर यहाँ पर ऑप्शनल है। कुछ लोग उपमा में हल्दी पाउडर डालते हैं और कुछ लोग नहीं डालते हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो डालें और यदि आपकी इच्छा ना हो तो आप इसे ना डालें। अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1 मिनट के लिए चलाते हुए पका लेंगे। मसाले भी अच्छी तरह से पक गए हैं तो इसमें हम डाल देंगे रवा और डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने रवे को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए और अब जो हमने पानी को गर्म किया था वो डालते जाएंगे हम इसके अंदर। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे इस तरह से। अब
अब मैं इसमें पूरा पानी डाल रही हूँ और वापस से मिक्स कर दूंगी। अब हम इसे ढक करके 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे ताकि जो रवा है वो भी अच्छी तरह से पक जाए। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, हम चेक कर लेते हैं उपमा रेडी है या नहीं। वाव, उपमा बनकर रेडी है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है, ये देखिए। इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, अच्छे से मिक्स कर देंगे डालकर। गैस को बंद कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। तो देखिए कितना टेस्टी और हेल्दी रवा उपमा बनकर तैयार हुआ है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ये एक ब्रेकफास्ट रेसिपी है, फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। तो आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। यदि रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं तो जा रही हूँ इस उपमा को खाने। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।